नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग विद डीपी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि हम फार्मिंग से रिलेटेड जो भी नई नई जानकारियाँ हैं आपको टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं, इस बार वीडियो में थोड़ा लेट हुआ उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जैसा कि हम टमाटर के खेत में खड़े हुए हैं और टमाटर में बहुत सी बीमारियाँ आती रहती है, उसी में से एक बीमारी जो आपके बैक्टीरियल स्पॉट है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। वो किस वजह से होती है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और उसके जो प्रारंभिक और लक्षण क्या है उनके बारे में हम जानकारी देंगे। जैसा कि हम ये टमाटर की खेत में देख सकते हैं, ये आपके बैक्टीरियल स्पॉट के लक्षण है। जैसा कि हम बात करते हैं बैक्टीरियल स्पॉट, जो कि स्टार्टिंग स्टेज की हम बात करें तो उसमें आपकी जो नई पत्तियां होती हैं उन पे छोटे काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और अगर ये बीमारी स्प्रेड स्टेज में या बड़ी वृद्ध स्टेज में अगर फैलने लगती है तो आपकी जो पत्तियां होती हैं उनके किनारे मुड़ने लगते हैं और उन पे किनारों पे धब्बे बनने लगते हैं। और धब्बों की अगर जैसे जैसे बीमारी का इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो ये धब्बे आपके 0.25 सेंटीमीटर से बढ़कर 0.5 सेंटीमीटर तक भी हो जाते हैं। तो ये बीमारियों की अगर हाईएस्ट जो स्टेज की बात करें तो ये आपको बीमारी आपके तने और आपके फलों को भी इम्पैक्ट डालती है। तो जैसा कि ये बीमारी आपके मेनली जेंथोमोनास स्पीसीज या जेंथोमोनास वेजिटेरिया नामक फंगस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होती है। और जेंथोमोनास स्पीसीज या वेजिटेरिया जो बैक्टीरिया होता है मेनली आपके जो ठीक है अवशेषों में मौजूद रहता है। इसके अलावा जैसे कि आपकी जो नई खरपतवार होते हैं उनको, जो खरपतवारों के जो पत्ते या जो खरपतवार की जो फसल होती है वो इनको एक फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, जो कि इनके टेम्परेचर के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनके अटैक के लिए एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि इसको अगर कंट्रोल करने की बात की जाए तो मेनली हमें फसलों के अवशेषों को टाइम टू टाइम नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जो खरपतवार उनका नियंत्रण रखना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे हम बायोलॉजिकल्स या अदर कंट्रोल्स की हम बात करते हैं तो जैसे कि फार्मर चाहे तो जैसे प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा जैसे फार्मर जो आप बीज लाते हैं उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड 0.3% से उपचारित करें या उसमें 15 मिनट तक डुबो कर रखे बीज को, गर्म पानी होता है जो आपका उसमें 50 डिग्री सेल्सियस तक उबाल कर उसको सुरक्षित करें। इसके अलावा जो आप स्टार्टिंग स्टेज की बात करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ करें, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। अब जैसे हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो मेनली जैसे कि आपके मेन को जो 75% M45 जिसे बोलते हैं, 30 ग्राम पर टंकी 15 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे करें। इसके अलावा जैसे आपके वेलिडामाइसिन या अदर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको भी आप नीचे ज़मीन में 100 ml पर कच्ची बीघा के हिसाब से ट्रेंचिंग करें या उनको दें। इसके अलावा जैसे एजोक्सिट्रोबिन प्लस मैनकोजेब जैसे कि अमानसर ग्लो या एजोक्सिट्रोबिन प्लस थाइफिनाइड जैसे टेक्निकल्स का यूज़ कर साथ में आप एंटीबायोटिक जैसे स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टो सल्फेट 90% आदि का यूज़ करके आप अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।